नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संक में। मैं हूँ प्रीति सिंह, मेरे साथ हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। और प्रश्नकाल में एक बार फिर हम तमाम लोकहित से जुड़े प्रश्नों को लेकर आए हैं। आतंकित प्रश्न ही होते हैं क्योंकि इनका जवाब संसद सत्र के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान लिखित रूप में सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसलिए हम इन प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और आज जो हमारे प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और ऐसे प्रश्नों को आज के अंक में हमने शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और ये पहला प्रश्न भी काफ़ी अहम है अरविंद जी, ये है भगोड़े NRI जो पति हैं उनके विरुद्ध विशेष कानून। सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी का ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या मिला है? सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी हैं जो कि राज्यसभा के बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, पद्म भूषण है, और वो लगातार इस तरह के सामाजिक मसलों को लेकर के सवाल पूछते हैं। और इस सवाल का जवाब जो है विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जी ने दिया है। और सवाल ये उन्होंने पूछा था कि क्या कुछ महिला संगठन, खास संगठन एक विशेष राष्ट्रपारी यानी विदेशी उनके लिए कानून चाहते हैं कि जिसके माध्यम से उन भगोड़े अनिवासी पतियों का प्रत्यर्पण किया जा सके जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। क्योंकि अभी तक देखिए, ये प्रत्यर्पण की बात हो रही थी तो वो अपराधियों के उस तरह के प्रत्यर्पण की बात हो रही थी, ये एक नई समस्या है जो पिछले कुछ दशकों में उभर के आई है। और पूछा कि सरकार के पास क्या ऐसी परित्यक्त पत्नियों की तरफ से शिकायतें लंबित हैं और 3 साल में क्या कार्रवाई की गई, तो इसका पूरा आंकड़ा भी दिया हुआ इन्होंने। और ये कहा है कि इसके लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए जो मुसीबत ज़्यादा महिलाएं हैं और महिला समूहों से सरकार को कई पिटीशन प्राप्त हुए हैं, सरकार ने माना है कि हाँ इस तरह की जो समस्या है उसके लिए मिले हैं। और यही नहीं, बहुत सी जो ऐसी महिलाएं हैं उनके बारे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस बारे में अनुरोध किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय में भी गुहार लगाई है जिसमें अभियुक्त अनिवासी जो भारतीय पतियों के प्रत्यर्पण समेत उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई। तो ये सारा मसला है और इसीलिए सरकार ने इस पर एक गंभीर पहल की है प्रीति। और मंत्रालय ने, मतलब विदेश मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019, इसको 11 फरवरी 2019 को राज्यसभा में पेश किया। अब इस बारे में बता दूँ प्रीति, अभी पिछले ही हफ्ते मतलब ये फैसला हुआ है, जो सभापति राज्यसभा हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो विदेश की है वो सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के साथ जो है ये दोनों चेयर ने मतलब ये फैसला किया है कि जो विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है वो इस मसले की, इस विधेयक की जांच पड़ताल करे और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे। तो उम्मीद की जाती है कि इस मामले में जो विधायी प्रक्रिया चल रही है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी और इस देश को जल्दी ही इससे जुड़ा हुआ एक कानून जो है मिल जाएगा। और इस कानून में जो अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहित भारतीय नागरिकों को और अधिक सुरक्षा मिलेगी, अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी पत्नियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए निवारक के रूप में भी एक मदद मिलेगी इस कानून से, और काफ़ी एक तरह से जिसको कहिए कि जो एक गंभीर प्रयास है ये, और इसके साकार हो जाने के बाद एक ठोस जिसको कहिए एक स्वरूप मिल जाएगा। और अब इस जवाब का जो दूसरा हिस्सा है उसमें कहा है कि जनवरी 2016 से 31 मई 2019 के बीच विदेश मंत्रालय को तमाम जो भारतीय मिशन हैं उनके समेत जो अनिवासी भारतीय NRI हैं उनके पतियों द्वारा प्रताड़ित और उत्पीड़ित महिलाओं की 4698 शिकायतें मिली हैं, यानी ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अगर हम देख रहे थे। और अगर समाधान की गई शिकायतों का, क्योंकि इसमें विवरण 2016 से दिया गया है प्रीति, 2016 में 1510 शिकायतें मिली और सबका समाधान किया गया, 2019 में 31 मई तक 391 शिकायतें मिली हैं उनका समाधान किया गया, और 4698 कुल शिकायतें हैं जिनमें सभी का समाधान किया गया, कोई भी लंबित नहीं। इस तरह से अगर देखेंगे तो विदेश मंत्रालय जो उस बीच में अगर आप देखेंगी तो सुषमा स्वराज जी जैसी काफ़ी बड़ी नेता के हाथ में रहा, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मसले को निपटाया, और बहुत सारे ट्विटर वगैरह पर आपने देखा भी होगा कि वो बहुत इस मामले में संवेदनशील रहती थी। अब एक और सवाल है जो एक सवाल जो दूसरा यूक्रेन से संबंधित है, यूनिवर्सिटीज से
राम कुमार कश्यप जी का, क्या जवाब है उसमें प्रीति? राम कुमार कश्यप जी ने ये जो सवाल पूछा है वो उन्होंने पूछा है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूक्रेन के कुछ विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त MBBS पाठ्यक्रम के कुछ भारतीय छात्रों को एजेंटों के उत्पीड़न, हथकंडों और दूतावास की भूमिका के कारण बिना किसी कारण के निलंबित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जांच पड़ताल की गई है, इसका ब्यौरा और उसके परिणाम क्या है, और भारतीय छात्रों के करियर की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसका उत्तर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिया है। उन्होंने बताया है कि मंत्रालय को दोनेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये क्रोपिविट्स्की कैंपस, यूक्रेन के कुछ भारतीय छात्रों की समस्याओं की जानकारी है मंत्रालय को, और कम लागत इसमें क्या रहा है कि कम लागत, कम बोझिल प्रवेश अपेक्षाओं के कारण जो भारतीय छात्र हैं वो यूक्रेन में शिक्षा की काफ़ी मांग है, मतलब भारतीय छात्र यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण करें क्योंकि कम लागत आती है, जो प्रवेश है वो भी बहुत आराम से हो जाता है, तो काफ़ी मांग है इसकी कि यूक्रेन में शिक्षा की। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की समस्याएँ प्रवेश परीक्षा का परिणाम है। क्यों परिणाम है? क्योंकि ये बिचौलिए और जो भर्ती के एजेंट हैं वो इनके द्वारा चलाई जा रही है, तो इनके झांसे में फंस जाते हैं जो छात्र हैं, और इस कार्य में कुछ बेईमान एजेंटों की मिलीभगत है। यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में जारी संघर्ष के कारण कुछ विश्वविद्यालयों के परिसरों को स्थानांतरित किए जाने, विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले शासन तंत्र, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क भुगतान तंत्र में पारदर्शिता की कमी और बुनियादी ढांचे की स्थिति से ये समस्या और भी जटिल हो गई है। उन्होंने ये बताया कि में हमारे राजदूतावास ने इस मुद्दे से को संबंधित यूक्रेनियाई प्राधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया और ये पाया गया कि छात्रों की समस्याओं के पीछे मुख्य कारण यूक्रेन स्थित विदेशी एजेंट, विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुछ बेईमान भारतीय एजेंटों के बीच मिलीभगत रही है। ये अब तक जांच में पाया गया। भारतीय चिकित्सा परिषद DNMU को यूक्रेनियाई चिकित्सा विश्वविद्यालयों की अपनी अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और संलिप्त एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा यूक्रेन का शिक्षा मंत्रालय जो परेशान छात्र हैं, व्यथित छात्र हैं, उनको अन्य विश्वविद्यालयों में भी ट्रांसफर करने में लगा हुआ है, और भारतीय चिकित्सा परिषद ने भी शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे संबंधी चिंताओं के आधार पर ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और लुहांस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रुबिजने कैंपस को यूक्रेनियाई चिकित्सा विश्वविद्यालयों की अपनी अनुमोदित सूची से हटा दिया है। ये किया है सरकार ने। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया है कि विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों का डेटाबेस तैयार करने के लिए मदर पोर्टल के अंतर्गत छात्र पंजीकरण मॉड्यूल भी विकसित किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर अपना पंजीकरण कराते हैं छात्र और अपने पाठ्यक्रम स्थान, संस्थान, पाठ्यक्रम की अवधि, इस तरह के ये सारे ब्यौरे देते हैं। विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों की शिकायतों के लिए भी एक अलग से श्रेणी बनाई गई है। और इसके बाद अब अगला प्रश्न आ रहा है विदेश नीति को लेकर बीके हरिप्रसाद जी का सवाल, इसका उत्तर बताइए अरविंद जी, क्या मिला? बिल्कुल, ये बड़ा जटिल सवाल भी बड़ा जटिल है प्रीति। अगर आप देखेंगे तो सवाल पूछा है बीके हरिप्रसाद जी ने कि क्या ये सच है कि देश की खराब विदेश नीति के चलते चीन को श्रीलंका में पतन मिल गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में चीन का हित बढ़ गया है, और साथ ही मालदीव में भी हम विफल रहे हैं क्योंकि भारतीय कामगारों को वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल के हैं तो वो इस तरह के सवाल सरकार को पूछते हैं, इस तरह के सवाल कई आते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने, उन्होंने इस सब जो उन्होंने जो सवाल पूछा उसको खारिज किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो है उसका एक उन्होंने साफ दिया है कि भारत सरकार की जो नीति है उसका केंद्र बिंदु है कि पड़ोसी प्रथम, यानी जो हमारे पड़ोसी हैं उनको सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, और जिनमें स्टेबिलिटी और समृद्धि के लिए परस्पर लाभकारी, नागरिक उन्मुख, क्षेत्रीय ढांचा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और जो भारत सरकार है वो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बहुत उच्च प्राथमिकता देती है। इन भागीदारियों में तमाम तरह के विषय शामिल हैं, जैसे बेटर कनेक्टिविटी है, उससे जुड़ी तमाम परियोजनाएं चल रही हैं जो है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और निवेश के साथ रक्षा और सुरक्षा, ये मामले भी शामिल हैं। इनको मजबूत बनाना और लोगों के बीच में आपसी संपर्क और सहयोग को बढ़ाना, ये सारी बातें हैं। और उसके अलावा ये भी कहा कि भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध अपने स्वयं के बलबूते पर हैं और इस पर अन्य देशों के संबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनका ये कहना है कि अगर चीन कहीं पतन भी हासिल कर लेता है तो इसका अर्थ नहीं है
कि श्रीलंका से हमारे संबंधों का कहीं कोई असर पड़ने वाला है। आखिर में फिर इन्होंने बोला कि भारत और मालदीव के संबंध तो हमेशा गहन और मैत्रीपूर्ण रहे हैं, दोनों देशों के बीच में वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में संबंध और मजबूत हुए हैं। अब एक सवाल जो है चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर है, प्रीति, ये सवाल बार बार उठता है, संसद में भी उठता है, बाहर भी उठता है, और काफ़ी वर्षों से इस पर काम हो रहा है। अभी भी जब महाबलीपुरम में दोनों लोग मिले तो बहुत जगह हो रहा था, हालांकि एक अनौपचारिक बातचीत थी, इसमें वास्तव में क्या रहा, लेकिन हमेशा संबंध बेहतर बनाने की दिशा में तो काम हो ही रहा। ये डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का सवाल है। हाँ, तो जो डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का सवाल है उसका हेडर ज़रूर चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन इसमें जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि सीमा विवाद के कारण व्यापार संतुलन को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। ये तो उन्होंने पूछा है कि क्या चीन के साथ सीमा विवाद ने चीन के साथ व्यापार संतुलन को किसी तरह से प्रभावित किया है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जो उत्तर दिया, उन्होंने बताया कि भारत और चीन ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कार्य ढांचा तलाशने के लिए एक एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। विशेष प्रतिनिधियों की अब तक 21 बैठकें भी हो चुकी हैं और पिछली जो बैठक हुई वो 24 नवंबर 2018 को चेंगदू में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने वार्ता और बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद का उचित औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने पर सहमति व्यक्त की है। अब जो सीमा विवाद है उसका कारोबारी संबंध में क्या असर पड़ रहा है उसको लेकर उन्होंने बताया है कि चीन के साथ भारत के कारोबारी संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 2000 की बात करें, अगर सन 2000 में बहुत मामूली कारोबार होता था, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर कारोबार होता था, जो बढ़कर 2018 में 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा हो गया। हालांकि इसमें एक चिंता की बात क्या है, जो भारत द्वारा चीन को निर्यात किए जाने वाले निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो चीन से किए जाने वाला आयात है इसके मुकाबले तेज़ी से बढ़ा है, यानी आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। तो ये जो कारोबारी घाटा है ये बड़ा चिंता का विषय है, चीन के साथ जो कारोबारी घाटा है सरकार ने देखें तो ये इसीलिए चिंता का विषय है भारत के नज़रिए से। तो सरकार ने इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर भी उठाया ताकि चीनी पक्ष को इन चिंताओं से अवगत कराया जा सके और कारोबार में संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया जा सके। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व में एक संयुक्त आर्थिक समूह इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास भी कर रहा है और चीनी पक्ष को बता दिया गया है कि फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, कृषि उत्पाद आदि क्षेत्र जो हैं वो भारत ने इन क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पैठ बनाई है और इन क्षेत्रों में भारत को चीन में अधिक से अधिक बाजार सुलभ कराए जाने की ज़रूरत है। यानी इन क्षेत्रों में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें निर्यात करना चाहिए चीन को। और इसी के साथ जो अंक है उसका समय भी यहीं पूरा हो रहा है, इसलिए आज के अंक को यहीं समेट रहे हैं। अगले अंक में बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ और ज़रूरी और अहम आतंकित प्रश्नों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।